एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल। और आज डे है थर्सडे और अभी टाइम हुआ होगा 7:20। वाणी निकल चुकी है, आधी साइकिलिंग करने के लिए गया है और आज मैंने फाइनली अपना स्वेटर भी ले लिया है। ये एक मुझे मिल गया अपना हल्के वाला, मैंने ये ही निकाल लिया है। तो अभी क्या है, मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करने जा रही थी तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लेती हूँ पहले, नेक्स्ट ब्लॉग इसके बाद शुरू करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे कि मैंने बताया आपको 7:20 का टाइम हुआ है करीब अभी, तो अभी मैं योगा करूंगी पहले, उसके बाद मैं अपना नाश्ता वगैरह लूंगी। जैसे आपको पता है, जैसे मैं आपको बता ही रखा है कि जिस तरीके से मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, यही होता है सुबह के टाइम मॉर्निंग में योगा होता है, थोड़ा बहुत अपना जो काम है, खाना बना चुकी हूँ अभी बच्चों के लिए, मतलब उतना जितना वो लेके गए, मतलब वाणी का टिफिन। आज मैंने सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की, और वाणी नाश्ते में दूध या बिस्किट ले लेती है, बिस्किट वो कम लेती है, मतलब आज ही वो लेके गई है, बहुत ही कम लेती है कभी कभार। तो मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, इसके बाद मैं अपना ये वाला ब्लॉग एडिट कर दूंगी, ये वाली वीडियो मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज देखने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, वीडियो को पूरा वॉच किया करें और मुझे सपोर्ट करें आप लोग। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अब की है आधा दिन बीतने के बाद, आधा दिन बीत चुका है ये लगा लीजिए, मतलब 12 बज चुके हैं अभी। और सुबह से मैं काम में लगी थी तो मैंने अपना कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है, जो भी मतलब जाएगा मेरा कल का और आज सुबह तक का जाएगा, जो भी मैंने थोड़ा बहुत अगर शूट किया है तो वो जाएगा ना मेरा, मतलब सुबह तक का थोड़ा सा मैंने शूट किया था, ज्यादा मैंने नहीं किया था। और अब मैं क्या करूंगी, उस वाली वीडियो की एडिटिंग करूंगी मैं पहले, जो मुझे अब अपलोड करनी है, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। अगर मैं सुबह फोन लेके बैठ जाऊँ एडिट करने के लिए, क्योंकि आधी की छुट्टियां पड़ रही है ना इन दिनों, तो आधी की छुट्टियां लगी हुई है, तो आधी घर पे है तो उसकी ऑनलाइन क्लास आती है, तो बैठ के बात कर लेती हूँ मैं आपसे। और बस अभी फ्री हुई थी मैं और नहा के और आ चुकी हूँ। तो पहले मैं जैसे कि ना आधे की क्लास चली हुई है, मतलब ऑनलाइन अभी फिलहाल 2-3 दिन हो गए, हाँ तीसरा दिन, हाँ तो उसकी क्लास लगी हुई है, तो वो फोन ले लेता है सुबह, उसकी 8 साढ़े 8 बजे करीब से क्लास मेरे ख्याल से आ जाती है उसकी, तो फिर आधे के पास ही फोन रहता है, मुझे एडिट करने का टाइम भी नहीं मिलता। नहीं तो मेरा कल का जो व्लॉग है, कल जो मैंने अपना शूट किया था, वो मैं आज अब अपलोड करूंगी तो वीडियो वो चली जाएगी। मेरी वीडियो छोटी होती है तो इतना टाइम नहीं लगता है जाने में, चली जाती है आराम से। और बस अब मैं क्या करूंगी, पहले बाहर वाले कमरे में जाऊंगी, आराम से रेस्ट करूंगी, वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद कुछ खाती हूँ और देखती हूँ फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर मैं आपसे जो भी करूंगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना पूरा डेली रूटीन, चाहे वो इवनिंग रूटीन हो या मॉर्निंग रूटीन हो या आफ्टरनून हो, कुछ भी हो मैं आपसे मतलब शेयर जरूर करती हूँ। तो चलिए पहले जाते हैं, कर लेते हैं एक दूसरी वीडियो तैयार अपनी, उसकी एडिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद खाते हैं और आदि को भी खिलाती हूँ। आदि ने हाल आज मैंने बनाया था बैंगन का भरता, तो आदि ने हालांकि खा लिया है एक बार खाना, उसको भूख लगी थी, उसे पसंद है ना बैंगन का भरता बहुत, तो उसने वो खा लिया है। और देखते हैं वो क्या करना है। और चल बात बहुत हो गई, ज्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा नहीं तो फिर मेरे को बहुत कुछ कट करना पड़ता है। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। ये चावल बनाऊंगी अभी, चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं ये रही। और इधर बन रही है मेरी दाल, उबल रही है, ये फैल गई यहाँ पे, निकल गई आज पता नहीं कैसे, थोड़ी सी दाल निकल गई और अभी इसमें सीटी आने वाली है, अभी आने वाली है, प्रेशर बन रहा है इसमें। ये हैं बर्तन बहुत साफ। सारे बर्तन साफ, इतने सारे, तो अभी ना फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ। यहाँ पे जो मैंने ये पानी लिया था गर्म है, इसकी मुझे अपने फेस पे भाप लेनी है, तो इसे निकाल के रख लेती हूँ अपने आगे पहले इधर। तो यहाँ पर मैंने लिया एक स्टीम तो अपने फेस पे, और अब ना मुझे स्क्रब करना है तो मैं आज कर ही लेती हूँ।
मैं तो जी यहीं पे कर लेते हैं स्क्रब, और बालों को पहले कर लेती हूँ ऊपर, क्योंकि पता है मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता फिर बिल्कुल भी, अभी कर लेती हूँ तो। और स्टीम भी है, और जो स्क्रब करना है वो हमें करना है गर्म पानी के साथ। तो करते हैं अपना स्क्रब शुरू, पहले गर्म पानी लगा लेना है। और पहले मैंने स्टीम भी लिया अभी, और आज मैं ले रही हूँ रेडीमेड स्क्रब ये वाला, ये भी अच्छा है ये। अगर आपको कोई बजट में और सस्ता, मतलब बजट में भी हो आपके स्क्रब, और जो आपको मतलब रिजल्ट भी अच्छा दे, तो एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब है ये वाला, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप ये ले सकते हैं। बाकी तो मैं होममेड ही करती हूँ अधिकतर, लेकिन अभी ना थोड़ा टाइम नहीं था, मुझे दाल भी बनानी है, इसीलिए ये मैंने लिया स्क्रब अपना, और मैंने ऐसे लगा लिया। बीच बीच में पानी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, गर्म पानी के साथ ही करना है।